गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज राज आलमपुर। एज यू नो, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू पे माय ब्यूटीफुल थैंक्स टू ऑल व्यूअर। इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को दूसरों तक फैला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की, और 100 बातें काम की अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज की दूसरी वीडियोज को भी जरूर वॉच करें, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफस्टाइल को और आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके को और बेहतर बनाएंगी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फोकस। ज़िंदगी में आपको एक जगह कंसंट्रेट करना, एक जगह फोकस करना कैसे आपकी कामयाबी की स्पीड को डबल करता है, कैसे आप अपने लक्ष्य तक बहुत अच्छे से पहुँचते हैं, और कैसे आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कितनी ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, जो लगभग जितने व्यूवर होते हैं, जो सकारात्मक चीज़ों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, वीडियोज को देखते हैं, वो सारे लोग इस स्टोरी से जरूर परिचित होंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी की, जो महाभारत में जब श्री द्रोणाचार्य जी जो गुरु रहे थे, बहुत सारे शिष्यों को बुला लिया और उनमें से उनकी क्लास जब उनको सिखा दिया गया था तो उनकी क्लास ली गई। उनको बताया गया कि आज तुम्हारी परीक्षा है, देखते हैं तुमने कितना कुछ सीखा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक चिड़िया उन्होंने टांग दी और चिड़िया पे एक छोटी सी आंख लगा दी और सामने कुछ दाने रख दिए और कहा कि आपको इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। तो सबसे पहले हमारे भीम जो बाहुबली थे, उनको बुला लिया गया कि देखो भीम, सामने ये धनुष उठाओ और तुमने इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, तैयार हो जाओ। भीम ने एकदम से धनुष उठाया और सामने ऐसे किया। जैसे ही ये किया, उसके तुरंत बाद एकदम से द्रोणाचार्य जी ने कहा, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा कंट्रोल, इतना जल्दी में मत करो, पहले मुझे ये बताओ कि आपको सामने क्या क्या नजर आ रहा है। भीम ने कहा, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, सबसे पहले तो मुझे इस पेड़ पे जितने आम लगे हैं वो मुझे बड़े खास नजर आ रहे हैं, वो मुझे काफ़ी ठीक से दिख रहे हैं, और मेरा भी मन है कि इस कॉम्पिटिशन के बाद मैं इन सारे आम को तुरंत निपटा दूँ। तो एकदम से द्रोणाचार्य जी ने कहा, चलो आप साइड हो जाओ। उसके बाद अगले एक इंसान को बुलाया तो उन्होंने कहा, जी मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं। कोई अगले को बुलाया जाए तो कोई कह रहा मुझे पेड़ नजर आ रहा है, कोई कह रहा था जी मुझे ये नज़र आ रहा है। युधिष्ठिर जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, जी मुझे पेड़ भी नज़र आ रहा है, पत्ते भी, चिड़िया भी, चिड़िया की आँख भी, दाने भी, आकाश भी, सब कुछ तो नज़र आ रहा है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। द्रोणाचार्य जी ने उनको भी कहा, चलो आप भी साइड हो जाओ। उसके बाद एक ऐसे जो बहुत ही धनुर्धारी इंसान थे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा, देखो ध्यान से क्या नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा, जी मुझे चिड़िया नज़र आ रही है। तो कहता, आप भी साइड हो जाओ। लास्ट में अर्जुन जी का नंबर आया, उन्होंने कहा कि इस चिड़िया की आंख पे तुम्हें निशाना लगाना है, धनुष उठाओ और निशाना लगाओ। जैसे ही उन्होंने निशाना लगाया और तीर छूटने वाला था, एकदम से द्रोणाचार्य जी ने कहा, प्लीज रुको थोड़ा, आप ये बताओ मुझे कि आपको क्या नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा, जी मुझे तो आंख नजर आ रही है चिड़िया की। कहता, नहीं नहीं साइड में थोड़ा सा बताओ क्या नजर आ रहा है। कहता, नहीं मुझे साइड में कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं तुम्हें पत्ते नजर तो नहीं आ रहे। कहता, नहीं जी, कहीं तुम्हें चिड़िया तो नजर नहीं आ रही। नहीं जी, कहीं तुम्हें दूसरे फल तो नजर नहीं आ रहे हैं, और पता नहीं कितने सारी बातें की। कहता, जी मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये बात करते करते अर्जुन के हाथ से वो तीर छूट गया और सीधा आंख में जाके लगा। चिड़िया की आंख में जैसे लगा तो एकदम से द्रोणाचार्य जी ने समझाया कि देखिए, जिंदगी में जितना ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा कंसंट्रेट, जितना डीपली हम चीजों के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, उतना ही एक्सपर्ट हम जिंदगी में बनते हैं। वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि जिंदगी के अंदर जगह जगह गड्ढे मत खोदिए। एक खेत में 10-10 फुट के 100 गड्ढे खोद दिए हैं, 1000 फुट खोद दिया आपने लेकिन पानी नहीं निकला, एक ही जगह 100 फुट खोद दीजिए, आपके लिए वो कुआं बनेगा, दूसरों को प्यास भी बुझाएगा, खुद के लिए भी पानी की व्यवस्था बनेगी। कहने का मतलब, जिंदगी में जो लक्ष्य आपने तय कर लिया है उसके ऊपर इतना फोकस हो जाइए, इतना ज्यादा मजबूती के साथ उसके ऊपर ध्यान रखिए। जैसे आपको याद होगा कि छोटी क्लास के अंदर जब हम 5th में होते थे 4th में होते थे तो एक लेंस हमें मिलता था, उस लेंस को देख के, और हम बाहर धूप में जाते थे और कागज को जलाने की कोशिश करते थे। ध्यान करिए, आपने पूरा जब उस लेंस को पकड़ के कागज को पीछे रख लिया तो बहुत सारे दोस्त आपके बोल रहे, चलो खेलने चलते हैं, आप बोलते हैं अभी रुको। कोई नजदीक आने वाला होता तो दूर से उसे रोक देते कि अभी मेरा ध्यान पूरा इस लेंस पे है। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद ही उसी कंसंट्रेट, 5 मिनट कंसंट्रेट करके उस लेंस को बिल्कुल भी नहीं हिलने देते थे आप। बिल्कुल जब नहीं हिलता था तो थोड़े टाइम के बाद ही पता लगता था पीछे कागज रखा है और उसमें से एकदम से धुआं निकलता था, उसमें से आग निकलती कि मैंने आखिरकार अपने उस फोकस करने से, अपने उस कंसंट्रेट करने से इस कागज को जला दिया। जरा सोचिए, 5 मिनट फोकस करने से कागज से आग निकल सकती है। तो
मेरे ख्याल से आप 5 साल 10 साल यदि किसी काम के ऊपर फोकस कर लेंगे, निश्चित ही एक दिन उसके आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप कंपटीशन से बाहर निकल के लोगों के लिए कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। बल्कि जरा सोचिए, 5 मिनट फोकस करने से कागज से धुएं निकल सकते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी में 5 साल 10 साल मेहनत करने से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती? एक जगह ध्यान लगाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं? कहने का मतलब आप कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगे बल्कि लोगों के लिए कॉम्पिटिशन बन जाएंगे। इसीलिए कहूंगा कि जिंदगी में लक्ष्य यदि आपने बना लिया है, सिर्फ वो करें जो लक्ष्य प्राप्ति में हेल्पफुल हो। 20 जोड़ी कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं जब दिल्ली में या फिर अमेरिका में या फिर किसी जगह आपका एक दिन का इंटरव्यू, यदि एक दिन का है तो एक जोड़ी काफ़ी है। जिंदगी में हर एक इंसान एक अच्छा एडवोकेट, हर एक इंसान एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा वकील या दूसरी चीज़ें बन सकता है, लेकिन यदि एक ही इंसान को सब कुछ बनाया जाए तो वो नहीं बन सकता। इसीलिए जिंदगी में अपने लक्ष्य पे पूरा फोकस करिए ताकि दूसरों के लिए ये प्रेरणा का काम करे। इसीलिए अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़िए, सकारात्मक चीज़ों के साथ बढ़िए, अपना फोकस अपना दिमाग वहाँ लगाइए जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं। यही कहना चाहूँगा आप सभी के साथ कि आप अपने ज़िंदगी को बेस्ट वे में जिए, अच्छे तरीके से जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस लॉकडाउन के दौरान या फिर इस विपरीत परिस्थिति में यदि आप किसी कारणवश मानसिक रूप से दबाव फील कर रहे हैं या कोई समस्या से ग्रस्त हैं या कोई रिलेशनशिप या कोई और प्रकार की आपको समस्या है, करियर से रिलेटेड है, आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।